आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गर्मियों में एकदम ठंडक देने वाली, रिफ्रेश कर देने वाली मसाला छाछ। मसाला छाछ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, एकदम सिंपल तरीके से आप इसे बना सकते हैं और ये सभी की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बिल्कुल रिफ्रेश कर देने वाली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मसाला छाछ बनाने के लिए सबसे पहले एक ग्राइंडर जार लेंगे, आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर भी ले सकते हैं। यहाँ अब 2 कप इसमें दही डाल लेंगे। 4 से 5 मैंने यहाँ फ्रेश पुदीना के पत्ते लिए हैं, आप चाहें तो इतने ही आप धनिया भी ले सकते हैं, लेकिन पुदीने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। धनिया या पुदीना दोनों आप साथ में डाल सकते हैं। इसे तोड़ के हम डाल लेंगे। अब मैंने यहाँ 1/2 चम्मच काला नमक लिया है, आप चाहें तो नॉर्मल नमक भी यहाँ ले सकते हैं या दोनों भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने काला नमक डाल दिया है। 1/4 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। 1/4 छोटी चम्मच में चाट मसाला डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1/4 छोटी चम्मच सौंठ पाउडर में ले रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल लेंगे, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब इसमें हम 2 कप पानी डाल लेंगे, एकदम चिल्ड हम पानी डालेंगे। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मसाला छाछ बनकर तैयार है। ठंडी ठंडी मसाला छाछ को अब सर्व कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी मसाला छाछ बनकर तैयार हुई है। अब इसे हम पुदीने के पत्ते से गार्निश करेंगे। मसाला छाछ बनाने के लिए आप पुदीना और धनिया दोनों बराबर मात्रा में ले सकते हैं और उसे ग्राइंड कर सकते हैं, दोनों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन मैंने सिर्फ पुदीना का यहाँ इस्तेमाल किया है। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मसाला छाछ आपको कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।